मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस नगर में करोड़ों रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना के माध्यम से नगर परिषद के सभी नागरिकों को फिल्टर पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा विगत 10 माह से नगर के विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर डाली है और उसका मलबा वहीं पड़ा है। मलबे को नहीं हटाए जाने से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसकी शिकायत नागरिकों एवं वार्ड पार्षद द्वारा नगर परिषद सीएमओ एवं ठेकेदारों से मलबा हटाने को बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मलबे के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे एवं रहवासी चोटिल हो रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए आज वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद मोहित शुक्ला ने स्वयं ही नागरिकों के साथ खोदी गई सड़कों से मलबे के लगे ढेर को खुद ही उठाया और मलबे को ट्रैक्टर में भरकर नगर परिषद कार्यालय में पटक दिया, ताकि नगर परिषद के अधिकारियों को पता लगे कि समस्या कितनी भयावह होती जा रही है। कल बरसात का सीजन प्रारंभ हो जाएगा, तब कितनी समस्या होगी। देखिए इस पूरे मामले को लेकर वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद मोहित शुक्ला ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जिला स्तर पर टीएल मीटिंग का आयोजन था, जो बाद में वहाँ पहुँचने के बाद वो स्थगित हो गई। तो वहाँ पर मुझे दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद श्री मोहित शुक्ला द्वारा निकाय में कुछ मलबा वगैरह रख दिया गया है ऑफिस में। तब मैंने उनके द्वारा फोन से चर्चा की, आपने ऐसा क्यों किया। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो MPUDC के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वो उनके द्वारा जो मलबा निकाला गया है वो रोड रिस्टोर नहीं की है, इस वजह से मैंने आक्रोशित होकर ऐसा किया है। तो मेरे संबंध में आपने तो मुझसे चर्चा नहीं की। बोले मैंने आपसे भी अध्यक्ष महोदय से 1.5 साल से कह रहा हूँ। तो मैं 1.5 साल तो बहुत, मेरा कार्यकाल तब भी 7-8 महीने हुए, लेकिन इस प्रकार की बात अगर आती तो आप मुझसे चर्चा करते। और फिर भी अगर ऐसा है तो मैं संबंधित ठेकेदार को निर्देशित करूँगा कि वो समय पर रिस्टोर करे रोड को, जैसा कि उनके नॉर्म्स में है, पाइपलाइन डालने के बाद तत्काल वो रोड को रिस्टोर करें। ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ जो PIU उनको बोला जाए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।